across this wonderful country. And is that an emotion that you ever see from Rahul Dravid? The wall of Indian cricket. देखिए राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि आप उनके साथ खेले हुए, उनके अगेंस्ट भी आप खेले हुए, राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि जितनी इज्जत थी इंडिया में इतनी पाकिस्तान में भी है। आपकी दानिश में उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है टाइम, देखो एक सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया, अंडर 19 से इंडिया ए, इंडिया से इंडियन मेन टीम। आपको राहुल द्रविड़ का क्या मुस्तकबिल अभी नजर आ रहा है? उन्होंने मना कर दिया, अब ये आखिरी उनका टूर्नामेंट था। यही वो मुल्क है वेस्ट इंडीज, जहां 2007 में वो कप्तान थे, उनकी टीम पहले राउंड से बाहर हुई थी, और अब उनके लिए इतना बड़ा एजाज है कि वो आज आखिरी दफा इंडिया के कोच रहे। आखिरी मैच था उनका, वो कप ट्रॉफी उनको विराट कोहली ने उठवा के दी। क्या बात है, आप भी उठाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। राहुल द्रविड़ देखें वर्ल्ड कप जितवाया है, अगले दिन वो कोच नहीं है टीम इंडिया का, उनको क्रिकेटर रोहित शर्मा कह रहे हैं कि आप रहे हमारे टेस्ट के साथ आ जाए, वो कह रहे नहीं, खत्म, मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है। यू नो जॉब सीकर नहीं है एक बंदा जो वर्ल्ड कप का अपना एज ए कोच आखिरी मैच खेल रहा है, मीन क्या एज ए कोच है, वो आखिरी मैच वर्ल्ड कप जीत गए, जीते पड़े हैं, आखिरी दो बल्ले भी रह गए तो वो पॉइंट ले रहा है वो बंदा। उसकी कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए आप, वो पॉइंट ले रहा है, उस वक्त भी कोई ना कोई चीज नोट कर रहा है ताकि टीम को बताऊंगा, हालांकि उसका सफर खत्म है। किसको आप देंगे क्रेडिट? डेफिनेटली राहुल भाई का बनता है। यही तो वजह ना कि विराट कोहली ने जैसे ही ट्रॉफी उसके हाथ में आई थी, उसने सबसे पहले जाकर राहुल द्रविड़ को दी थी। ये जितनी लॉट है ना, ये जितनी कल आपको वर्ल्ड चैंपियंस के तौर पे आप इनको देख रहे थे, ये राहुल द्रविड़ के पैर छूते हैं भाई। इन सबको खड़ा करने में राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा पार्ट है। भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में जीत की सबसे बड़ी वजह, भारत ने बतौर कोच राहुल द्रविड़ पर एतमाद किया, जिन्होंने अंडर 19 से कोचिंग की शुरुआत की थी। जबरदस्त। और अपने प्लेइंग डे में तो आईसीसी कोई इवेंट जीत नहीं सके राहुल द्रविड़, एज कोच आईसीसी इवेंट जीते हैं, तो ये भी एक मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त मोमेंट है राहुल द्रविड़ के लिए, और जबरदस्त टाइम रहा टीम को जेल करके रखा। इंडियन टीम की इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? आपकी दानिश में उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर को बहुत क्रेडिट जाता है, राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है। टाइम देखो एक सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया, अंडर 19 से इंडिया ए, इंडिया से इंडियन मेन टीम, एक प्रोसेस है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। इतना छोटा सा एक चीज है कि मेरिट करनी है, बेईमानी नहीं करनी, अपने प्लेयर को एक्स प्लेयर को सहूलत देनी है जिससे मुल्क को फायदा हो, क्रिकेट को फायदा हो, ये बेसिक थी। वो भी नहीं जीते, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतेंगे ना, और जीत के उन्होंने दिखाया कि हमारा सिस्टम मजबूत है। देखिए राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि आप उनके साथ खेले हुए, उनके अगेंस्ट भी आप खेले हुए, राहुल द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, क्योंकि जितनी इज्जत इंडिया में इतनी पाकिस्तान में भी है। टीम है, लेकिन राहुल द्रविड़ की बात नहीं है, आप देख रहे हैं रवि शास्त्री ने क्या किया इनके लिए, दो ऑस्ट्रेलियन सीरीज जीत के आए, वो क्या कमांड उसकी कमेंट्री के अंदर है, क्या बात करता है, क्या वो बीसीसीआई के लिए काम किया हुआ है, बिग ब्रॉडकास्टर है, तो ये ऐसे तो हेल्प करते हैं ना अपने नेशन की, नेशनल स्टेट। राहुल द्रविड़ शायद यही वो नाम है जिसकी वजह से इंडियन टीम इतना ऊपर आई, पहले एशिया कप, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप का सुपर 8 मुकाबला जीतने के बाद फाइनल में कांटेदार मुकाबला, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने में कामयाब रही इंडिया टीम, यही सारी की सारी मेहनत राहुल द्रविड़ की। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ से बेहतर कोच शायद क्रिकेट के आज के दौर में नहीं है, क्योंकि राहुल द्रविड़ वो कोच है जिसने हर खिलाड़ी को भरपूर सपोर्ट किया। रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं चली, रोहित शर्मा को दुनिया ने बुरा भला कहा, लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि नहीं, रोहित बैक करेगा। विराट कोहली की फॉर्म नहीं चली, दुनिया ने तंकीद की, लेकिन राहुल द्रविड़ सामने आ गए। राहुल द्रविड़ का कहना था कि मुझे यकीन है कि विराट कोहली हमें एक बड़ा मैच जितवाएगा, और वही हुआ, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल का बड़ा मैच विराट कोहली के हाथों जीती इंडिया टीम। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा कोच नहीं राहुल द्रविड़ जैसा जो कि टीम को सपोर्ट करे, लेकिन उसके बाद बड़ा मसला यह है कि इंडिया टीम जो है अपने कोच की हर बात मानती है। शोएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के कोच गैरी क्रिस्टन ने यह बात वादे कर दी है कि पाकिस्तान टीम अपने कोचिस की बात नहीं मानती, जबकि इंडियन टीम अपने कोच की बात मानती है, लिहाजा इंडिया के कोच भी भरपूर जान लगाते हैं। कोचिस और खिलाड़ियों की मिली भगत की वजह से इंडियन टीम इतना आगे आ पाई है। शाहिद अफरीदी का कहना है कि राहुल द्रविड़ वो बंदा है जो हर हाल में पूरा साल टीम को सपोर्ट करता है, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, हर वक्त टीम के लिए सोचता है और टीम को नई टिप्स देता है, और टीम उसके मशवरे पर अमल करती है, और जब जब टीम ने उसके मशवरे पर अमल किया टीम हमेशा कामयाब ही हुई है। और यही होता है कि कोच अपना भरपूर एक्सपीरियंस देता है अपने खिलाड़ियों को, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरह खिलाड़ी बात ना माने तो कोच का एक्सपीरियंस बिल्कुल फजूल होता है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस पर अमल नहीं करना तो खिलाड़ियों का क्या फायदा और कोच का क्या फायदा। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि
अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट करें, अपनी टीम को करें, अपने कप्तान को करें। कभी नहीं सुना होगा कि रोहित चौधरी ने कभी बोला कि इस कप्तान से हटा दो, उसको बना दो, उसको ले आ दो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, एजुकेशन का भी कह सकते हैं, और बहुत बड़ा फर्क है। ये इतनी जल्दी आने वाला नहीं है यार। वो लगातार अपने प्लेयर्स पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि कप्तान हमारा यही रहेगा लंबे टाइम के लिए। विराट के बाद अगर आए तो रोहित आए ना, तो कप्तानी लंबी लंबे अरसे के लिए। उन्होंने वनडे का भी फाइनल खेला, टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेला, हार गए वो, लेकिन अब एक T20 का फाइनल खेला, वो जीत गए। दूसरा, ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी से लेके उनका कोचिंग स्टाफ, तो BCCI और उनकी NCS सब एक पेज पे होते हैं। जो हम ये अपना रश्मि बिलीफ कहाँ पे हमने खो दिया अपना, क्योंकि अब आपने चूंकि पाकिस्तान को लीड भी किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो दरूने खाने स्टोरीज हैं उनको भी जानते हैं। जितनी तनकीद रोहित शर्मा पे, जितनी तनकीद विराट कोहली पर हो रही थी, अगर ये पाकिस्तान की टीम नहीं होती तो आपको लगता है कि या तो विराट कोहली का नंबर जो है वो तब्दील कर दिया जाता, या फिर विराट कोहली को बेंच कर दिया जाता? देखिए अली, इसमें क्या होता है, वो जब डिसाइड कर लेते हैं ना, फिर वो उससे हिलते नहीं है। वो सिर्फ राहुल द्रविड़ का हाथ नहीं होगा या रोहित का, उनके साथ पूरी टीम होती है। उनके पास जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट है ना, या डेटा एनालिस्ट जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते। वो डिसाइड करके बताते हैं क्या ये कुलदीप यादव को जैसे अमेरिका में नहीं खिलाया, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, सिराज खेले, और उनको पता था कि सुबह के मैच हमारे कितने और रात के मैच कितने हमारे, उसके हिसाब से टीम को तश्कील किया, बनाई गई। अच्छा रश्मि, हम कहाँ पीछे रह गए, क्योंकि अगर हम अपने कायद अजम ट्रॉफी का स्टैंडर्ड देखते हैं तो कायद अजम ट्रॉफी का स्टैंडर्ड, रणजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड एक जमाने में तकरीबन बराबर ही थे। अगर मैं ये नहीं कहूँगा रणजी का ज्यादा था, कायद अजम का कम था, क्योंकि उसी कायद अजम ट्रॉफी से हमें आप जैसे प्लेयर, मोइन खान जैसे प्लेयर मिले, पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है उसी कायद अजम ट्रॉफी से, और फिर रणजी से भी जो प्लेयर इंडिया को मिले, जबरदस्त मार्वेलस प्लेयर, उनको एक्सलेंट प्लेयर मिले। हम पीछे कहाँ रह गए कि आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट में। पॉलिटिक्स तो है हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिशियन ने अपने बंदे सारे भेज दिए बोर्ड के अंदर, प्रोफेशनल नहीं है। BCCI में प्रोफेशनल हायर किया है उस पोस्ट के, ठीक है ना, परफॉर्मेंस एनालिस्ट है, या आपके पास डेटा एनालिस्ट है, या बायो मैकेनिक्स है, या जो भी है, वो पैरिट पे आएगा, वो फोन कॉल पे नहीं आएगा पॉलिटिशियन के ऊपर। असलम दोस्तों, पाकिस्तान में कोई फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा है जो वो किरदार निभाए जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया क्रिकेट में निभाया? दो तरह का किरदार, एक उस कद का क्रिकेटर, दूसरा उस तरह की नीयत, क्या ऐसा हो सकता है? और एक अछूती बात जो आपको लगेगी, मैं ये ज्यादातर पे समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ जैसा किरदार पाकिस्तान में होता भी तब भी वो काम नहीं कर सकते थे जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया के अंदर किए। यानी इन्हीं राहुल द्रविड़ को कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट में ले आए, अब वो काम नहीं कर सकेंगे जो वो इंडिया में कर चुके हैं। उसकी वजह है, हमारे यहाँ जब भी कोई फॉर्मर क्रिकेटर बनता है ना, वो 19 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा लगाता है, हम अपने ही क्रिकेटर्स के साथ, अपनी टीम के खिलाड़ी के साथ मैच डाल देता है। वो चाहे वकार यूनुस वर्सेस आमिर हो, चाहे मिसबा वर्सेस आमिर हो, चाहे वकार यूनुस वर्सेस अहमद शहजाद, उमर अकमल हो, वो चाहे कोई भी हो, ये मैच रहता है हमारे यहाँ।